कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया को एक बार फिर से चिंता में डाल दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए सरकार भी अलर्ट हो गई है। स्वास्थ्य निदेशालय की ओर से कोरोना की सैंपलिंग बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही अस्पतालों में आने वाले मरीजों की कोरोना जाँच आवश्यक रूप से किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। फतेहाबाद में शासन और प्रशासन की इस कवायद को देखते हुए लगता है कि सरकार इस बार अपनी तैयारियों में किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं रखना चाहती। इस संबंध में नागरिक अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर शरद ने बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में सैंपलिंग का दायरा बढ़ाकर एक दिन में 1200 से 1500 तक के किए जाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही उन मरीजों की जांच भी प्राथमिकता के आधार पर करने को कहा गया है जिनमें बुखार, खांसी, जुकाम या फिर गले में खराश जैसे लक्षण मिले। इसके साथ ही अस्पताल की ओपीडी में आने वाले मरीजों और स्कूलों में भी सैंपलिंग बढ़ाए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। पूरे विश्व के अंदर कोविड का एक नया जो वेरिएंट है उसके केसेस सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने एज अ प्रिकॉशनरी मेजर सभी जिलों के अंदर कोविड की जो सैंपलिंग है उसको बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत फतेहाबाद जिले में भी हमें अब तकरीबन डेली 1200 से 1500 जो सैंपल है उसका टारगेट दिया गया है। इसी के मद्देनज़र सभी CHCs PHCs के जो इंचार्जेस हैं उनको आदेश पारित कर दिए गए हैं कि वह अपने हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल करें लोगों का, ताकि कोई भी अगर आउटब्रेक है या अगर कहीं भी कोई केस है उसको इनिशियल स्टेज में ही रोका जा सके, कंटेन किया जा सके और जो स्प्रेड को है उसको बंद किया जा सके।